नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश में आजकल एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है। और वो जो प्रोटेस्ट है वो आरक्षण को लेकर के है। आरक्षण को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो आरक्षण को चाहते हैं अपने देश में, नहीं, बल्कि वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए, आरक्षण को हटा दिया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जबकि भारत का केस में ये उल्टा होता है, भारत में तो यहाँ पर बात होती है कि आरक्षण को बढ़ा दीजिए, आरक्षण और होना चाहिए, सभी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में अपोजिट केस है बिल्कुल। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि ये आखिर है क्या, पूरी चीज़ को बहुत विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, दरअसल क्या है कि बांग्लादेश में आरक्षण की जो व्यवस्था करी गई थी वो ये करी गई थी कि वहाँ के लोगों को 56% आरक्षण दिया जाएगा। उस 56% में 30% आरक्षण उन लोगों को मिलेगा क्यों, जो क्रांतिकारी लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे। मतलब कि जब 1971 में बांग्लादेश बना था तो उसको जब बन रहा था तो कुछ लोगों ने अपने नए देश बनने के लिए पाकिस्तान से लड़ाई करी थी, और फिर उस लड़ाई के बाद वो देश अलग हो पाया था। तो वो फ्रीडम फाइटर्स हुए, उनके जो जो हीरोज़ हुए देश के, वो लोग हुए। तो उनके बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए 30% का आरक्षण था कि 30% में वो लोग रहेंगे, बाकी 10% जो आरक्षण है वो वुमेंस को मिलेगा, महिलाओं को, और 10% का आरक्षण उन डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा जो पिछड़े हैं, तो 10% तो वो ले गए। 5% का आरक्षण इंडिजियस कम्युनिटी ले गई, 1% का आरक्षण वहाँ के डिसेबल लोग, जो दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों को दिया गया। तो इस तरह से 56% आरक्षण उन लोगों को मिल रहा था, और ये गवर्नमेंट जॉब लोग कर रहे थे, ये आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन 2018 में कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ, और उसमें ये डिमांड करी गई कि आरक्षण को पूरी तरह से हटा दिया जाए। तो आरक्षण को प्रोटेस्ट के बाद हटा लिया गया वहाँ। तो वहाँ पे जब प्रोटेस्ट करने के बाद आरक्षण को हटाया गया तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। तो फिर उसके बाद अभी वहाँ की कोर्ट ने एक निर्णय ये दिया कि ये जो आरक्षण हुआ करता था 56% का, इसको वापस से लेकर आया जाए, और लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और लोग अपनी वो जॉब को प्राप्त कर सकें। ये अभी कोर्ट वहाँ पर रूल लेकर आई, अभी वापस से वो फैसले को अपने चेंज किया। अब दोस्तों, बात ये कि वहाँ का जो युवा है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पॉपुलेशन है, पीपल हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि हमको ये आरक्षण चाहिए ही नहीं। जब 2018 के बाद से ये बंद हो गया था तो अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो ये चाहते हैं कि अब ये आरक्षण ना हो, और आरक्षण अगर रखना भी है तो इसमें से 26% रखना है, 30% तो रखना ही नहीं है जो फ्रीडम फाइटर्स का है। उनका ये कहना है कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो तो अब बूढ़े हो चुके, क्योंकि 1971 में ये हमारा देश बना था, तो वो करीब 50-55 साल के अब हो गए हैं, और उनके जो बच्चे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे, वो भी काफ़ी अब एज वाले हो चुके हैं। तो अब जब वो इतनी ज़्यादा एज वाले हो चुके हैं तो अब उनकी आगे की जनरेशन को कोई भी आरक्षण देना ये ठीक नहीं होगा, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लोगों को अब वो वाला आरक्षण मिले, उनका ये कहना है। इसके बाद दोस्तों, अगर दूसरी बात करें कि आरक्षण के लिए वो ये क्यों चाहते हैं कि इक्वल बिल्कुल सबको मिलना चाहिए मौका, तो दोस्तों बात तो बिल्कुल सही है, सभी को मौका तो इक्वल मिलना चाहिए, और वहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट की जॉब्स बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ मैं वहाँ की बात नहीं करूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ के देशों में पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो करीब करीब 4% लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है, बांग्लादेश में 3% की बात है। तो एक चीज़ ये सोचने वाली बात है कि भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो यहाँ ज़्यादा कैसे ही गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें, चाइना में 28% लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, 13% लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं यूएसए में।
तो अगर वहाँ पे इतना नंबर हो सकता है तो हमारे यहाँ 4% भी पूरा नहीं है, तो 4% से आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत है। एक तो ये चीज़ हो गई। दोस्तों क्या है कि हर एक कंट्री में गवर्नमेंट जॉब की तो ज़रूरत होती ही है लोगों के पास, सभी चाहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन ये कि सभी लोगों का सपना तो साकार नहीं हो सकता है, लेकिन जिनका भी हो सकता है उनका तो कम से कम करना चाहिए। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं कुछ तो 10% के अराउंड तो गवर्नमेंट जॉब्स होनी चाहिए, लोगों को मौका मिले, लोग वहाँ पे अपना हुनर दिखा पाएँ। अभी क्या है कि हमको अपने देश की डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राइवेट सेक्टर पे भरोसा करना पड़ता है, और जो जॉब्स भी क्रिएट होती इंडिया में वो प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट में तो है ही नहीं। तो इस सेम चीज़ ऐसे ही वहाँ बांग्लादेश के लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश में ये आरक्षण नाम की जो भी चीज़ है ये बिल्कुल ना हो, और जो भी लोग जॉब चाहते हैं उनके पास उतनी ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जितनी दूसरों के पास है, तो ताकि उनका सिलेक्शन बिल्कुल फेयर मीन्स में हो, तो सब कुछ बराबर होना चाहिए। उनका कहना भी सही है दोस्तों। ये न्यूज़ थी, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। धन्यवाद।